नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत है। अपन बातें करने वाले हैं ARTE 02 के पेपर डिस्कशन की। तो आइए सीधा चलते हैं पेपर के सवाल नंबर एक पे। क्या है सवाल नंबर एक? सवाल नंबर वन, एक को आप देखेंगे कि हर प्राणी का सही होना चाहिए। हाइट एच से आपने एक पार्टिकल को रिलीज किया है, यानी इस तरह का एक ट्रैक है और ये एंगल आपको अल्फा दिया हुआ है और आपने पार्टिकल को रिलीज किया है कहां से? यहां पे मान लीजिए पार्टिकल है, इसका मास m है और ये हाइट h। यहां से इसको रिलीज किया है और थीटा का वेरिएशन करवा रहे हैं, कौन से वाले एंगल का? ये वाले एंगल का आप वेरी करवा रहे हैं उसको 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। द बॉडी ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द क्रीट एंड राइजेस अप टू हाइट h1 रेस्पेक्टिवली। All the surfaces are frictionless. Which of the following is the correct? है सर्फेस फ्रिक्शनलेस। सर्फेस फ्रिक्शनलेस है इसका मतलब कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है। बोल रहा मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा? मैंने कहा यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फिर पूरी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अगर ये रेफरेंस लेवल लिया वापस जाएगा इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो थीटा आप कितना भी रखिएगा, H1, H2, H3 इस बात पे डिपेंड ही नहीं करेगा कि थीटा क्या है। H1, H2 एंड H3 इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि भैया जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे mgh है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इधर जानी पड़ेगी क्योंकि बीच में कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप ये बोल सकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं कि mgh मस्ट बी इक्वल टू mgh1, mgh2, mgh3। तो यहां से क्या साबित हो गया है? h1 इज इक्वल टू h2 इज इक्वल टू h3। तो ये लल्लू सवाल था, ये हर प्राणी का सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दो पे, जिसका कौन सा आंसर आपका सही हो जाता है? डी ऑप्शन आप इसमें टिक करते तो आपको h1 इज इक्वल टू h2 इज इक्वल टू h3 बिल्कुल जिस आदमी ने जस्ट सवाल पढ़ा होगा ये उसका सही हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर टू, सवाल नंबर दो पे बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर दो क्या है? सवाल नंबर दो जरा ध्यान से देखिए। सवाल नंबर दो, सवाल नंबर दो में दो स्प्रिंग लगी हुई है। यहाँ पे आपका वॉल है, ये स्प्रिंग है और यहाँ पे स्प्रिंग है जो कि किससे लगी हुई है? एक ब्लॉक से लगी हुई है। ब्लॉक को यहाँ पे सरफेस पे रखा हुआ है और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर एंड दूसरी वाली का है 150 न्यूटन पर मीटर। टू स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट 100 and 150 इन सीरीज आर, द ब्लॉक इज पुल्ड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। यानी इसको यहाँ पे खींचा गया है 2.5 सेंटीमीटर, कितना खींचा गया है 2.5 सेंटीमीटर टू द राइट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द रेशियो वर्क डन बाय द स्प्रिंग एट द लेफ्ट टू द वर्क डन बाय द स्प्रिंग एट द राइट। मान लो कि इसमें इलोंगेशन हुआ आपका x1 और इसमें इलोंगेशन हुआ x2, तो x1 प्लस x2 मस्ट बी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ये तो पक्का हो गया है। दूसरा क्या है कि अगर ये सीरीज में लगी तो टेंशन सेम होनी चाहिए, यानी कि K1x1 यानी कि 100 × x1 मस्ट बी इक्वल टू 150 × x2 है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपके लिए ये जो x1/x2 का रेशियो है ये आपके लिए 15/10 आ जाएगा जो कि आने वाला है 3/2। अच्छा अब आपको क्या बोला गया कि वर्क डन जो है दोनों स्प्रिंग में, वर्क डन बाय द स्प्रिंग एट द लेफ्ट टू द वर्क डन बाय द स्प्रिंग एट राइट, इसमें और इसमें वर्क डन का रेशियो निकालना है। तो भैया इसमें जो वर्क डन इसने किया होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ होगा, कितना स्टोर हो गया होगा? हाफ के आपका कितना है 100 है, x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैंने कहा हाफ के इसका कितना है 150 है x2 का स्क्वायर। और x2 को अपन क्या लिख सकते हैं जरा ध्यान से देखिए, यहां से मैं क्या x2 को ये लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ x1 डिवाइडेड बाय 3। x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ x1 डिवाइडेड बाय 3 है, जिसका स्क्वायर आप करिएगा तो 4x1 डिवाइडेड बाय 9 है, 9 ऊपर चला जाएगा 1/2 से 1/2 इस 0 से ये 0 कट जाएगा, x1 के स्क्वायर से x1 का स्क्वायर कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा 5, ये आपका आ गया 3, यहां से आ गया ये 3/2 आ रहा है क्या? हाँ 3/2 आपको आता हुआ दिखाई देगा जो कि है ऑप्शन ए में। तो ये भी एक इसी किस्म का सवाल था जो कि हर प्राणी का सही हो जाता। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर तीन पे।
ये ऐसे सवाल हैं जो हर जेई मेंस या एडवांस की तैयारी करने वाले बालक से सही होना ही चाहिए। ब्लॉक सवाल नंबर तीन क्या है? सवाल नंबर तीन जरा ध्यान से देखिए। ब्लॉक ऑफ मास है लोअर्ड फ्रॉम द नेचुरल लेंथ लेंथ पोजीशन ऑफ स्प्रिंग स्लोली बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। कैसे कैसे लेके जा रहे हैं इसको? स्लोली स्लोली एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प करके। मान लो कि हाथ लगा दिया और डर आप नीचे ला रहे हैं इसे। The extension represented in massless spring burst by two student, एक बोल रहा है कि x आएगा mg, 2mg by k और एक y by बोलेगा कि x is equal to mg by k आएगा। Slowly slowly ला रहे हैं तो भाई साहब ये यहाँ पे नीचे जाएगा x और यहाँ रुक जाएगा, ऊपर की तरफ kx होगा, नीचे mg लग रहा होगा, x की वैल्यू आएगी mg by k। लेकिन इसी को स्लोली, ये तो था कब, जब स्लोली स्लोली ला रहे हैं, अगर इसको रिलीज किया जाता, रिलीज किया जाता तो क्या करता है ये HSM करता, कि तो मीन पोजीशन कहां आती, जहां पे फोर्स जीरो होता है, यानी कि ये वाली दूरी आपके लिए क्या हो गई है mg by k। तो ये mg by k नीचे भी जाएगा, तब इस वाले केस में, इस वाले केस में आपका एलोंगेशन 2mg by k आता, तब जब इसको रिलीज किया जाता और ये कर क्या कर रहा होता, HSM कर रहा होता। लेकिन यहां पे स्लोली स्लोली आप ला रहे हैं तो वो आपके पास x की वैल्यू mg by k हो जाएगी। भाई साहब बोल रहे हैं कि आपके x square is equal to mg x, मैंने कहा नहीं भैया, एक्सटर्नल एजेंट ने भी यहाँ पे वर्क किया है तो आपने काउंट ही नहीं किया। स्टूडेंट ए गलत कर रहा है, सॉरी स्टूडेंट ए गलत कर रहा है, स्टूडेंट बी सही कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में mg जब होगा वो kx के बराबर हो जाएगा। तो आपका स्टूडेंट ए इज इनकरेक्ट एंड स्टूडेंट बी इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये भाई साहब जो स्टूडेंट ए है इनके विचार गलत लग रहे हैं, बी इज करेक्ट है, तो ये आपको ऑप्शन ए में दिखाई देगा, इसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लल्लू किशन का सवाल था, ये भी आपसे लगभग लगभग हर प्राणी से सॉल्व होना ही चाहिए, कोई उसमें बहुत डिफिकल्टी वाला सवाल नहीं। चलिए बीच बीच में इजी पेपर इसलिए आते हैं ताकि आपके हौसले बुलंद रहे। हा फोर्थ, कोई आइटम रखा हुआ है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिए क्या आइटम है। यहाँ पे एक बॉल रखी है, यहाँ पे एक बॉल रखी है और ये पूरा कार्यक्रम कनेक्टेड है। यहाँ पे फोर्स एफ लगाया जा रहा है और ये एंगल है आपका थीटा और ये वाला एंगल है आपका थीटा। और क्या हो रहा है, लेंथ 2L है, टू स्मॉल स्फीयर्स ऑफ मास m आर कनेक्टेड बाई स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2L है, यानी ये लेंथ L है, ये लेंथ L है और इसका मास m है, इसका मास m है। अच्छा, ए वर्टिकल फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द मिडल ऑफ द स्ट्रिंग, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर इफ द स्फीयर डू नॉट लूज द कॉन्टैक्ट है, यानी कि हमें नॉर्मल के बारे में सोचना होगा, क्योंकि भैया जब नॉर्मल जीरो हो जाएगा तब ये जो है वो कॉन्टैक्ट लूज कर जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल अगर आपका थीटा है, ये एंगल अगर आपका थीटा है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका कौन सा एंगल थीटा होने वाला है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, टी कॉस थीटा कट जाएगा, एफ की वैल्यू यहां से आने वाली है टू टी साइन थीटा, टू टी साइन थीटा। अच्छा, फिर आप इसका एपीडी बनाएंगे, इस पे इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे इसमें क्या लग रहा होगा, एमजी लग रहा होगा, टी का कौन सा वाला कंपोनेंट, टी साइन थीटा, नॉर्मल प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू एमजी। और टी की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें, टी की वैल्यू यहां से आप क्या डाल सकते हैं, एफ बाई टू साइन थीटा, एफ बाई टू साइन थीटा, नॉर्मल प्लस टी की वैल्यू होगी आपके पास एफ बाई टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ने साइन थीटा की पत्तियां गुल कर दी, इक्वल टू आ गया एम जी, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। अब अगर आप ध्यान से देखें, नॉर्मल जो है क्या होना चाहिए आपका, अगर आप ध्यान से देखें तो एम जी माइनस एफ बाई टू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्यों लाला, सॉरी क्योंकि जस्ट जीरो हो गया तब भी आपका जस्ट जो है वो धरती माता से अलविदा हो जाएगा, कौन स्फीयर, तो हमें क्या करना होगा, जस्ट जीरो कर सकते हैं यहां, है ना, कॉन्टेक्ट में रहना है, तो mg mg is equal to f by 2 हो जाएगा इस वाले केस में, तो f की मैक्सिमम वैल्यू आपके लिए क्या आ जाएगी 2mg by k, तब तक ये कॉन्टेक्ट में रहेगा। तो 2mg आपको ऑप्शन ए में दिखाई देगा, जिसमें वर्क एनर्जी का भी कोई बहुत रोल था ही नहीं, ये तो बिल्कुल जो है आपका सिंपल सवाल किसका हो गया है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, एनएलएम का सवाल हो गया यार, ये तो एनएलएम का सवाल हो गया, आप इजीली इसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। हमको लगता है पहले चारों सवाल बहुत इजी दिखाई दे रहे हैं, आइए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ वाले सवाल पे। कौन से वाले सवाल पे, फिफ्थ वाले सवाल पे, क्या है फिफ्थ, जरा ध्यान से देखिए फिफ्थ वाला सवाल। हा फिफ्थ में है, एन इंजीनियर वांट टू डिजाइन इंप्रूव्ड एलिवेटर फॉर ए बिल्डिंग है,
The original design used a motor that could lift 1000 kg. अच्छा यहाँ पे मोटर जो कितना केजी उठा के लेके जा रही है, 1000, और डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर है, 30 सेकेंड में. तो वर्क कितना किया होगा, वर्क इसने किया होगा 1000 की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई है 10 से, और है ना एम जी एच आपका 20 से, इतना वर्क डन किया होगा इन 30 सेकेंड. तो ये पावर आने वाली, ये क्या आने वाली है, पावर आने वाली. इतना इसको मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा है ना, क्योंकि हाँ बिल्कुल 10000 kg है, तो इंटू 10000 इंटू 10 एम इंटू जी कर दिया, यहां से ये पावर वन आ जाएगी. ये क्या आने वाली है आपके लिए, पावर वन. दूसरा अगर आप ध्यान से देखें, दूसरे वाले केस में क्या है, इंजीनियर वांट्स ए मोटर दैट कैन लिफ्ट 800 kg थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर इन 20 सेकेंड. अच्छा दूसरे वाली जो कार्यक्रम ये करना चाह रहा है, वो कार्यक्रम उठाना चाह रहा है 800 kg. ठीक है, कितना डिस्टेंस 30 मीटर, कितने टाइम में, 20 सेकेंड में. तो कितना पावर की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम पावर जो है वो आप 800 को अगर स्लोली स्लोली उठाओगे जाए तो नलकानी एनर्जी नहीं थी हमने, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है उसकी, 800 × 10 × 30 / 20. तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले वाले मोटर की पावर कितनी आ रही है आपके लिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका 0 हो गया है, और ये आपका हो गया 20 / 3, यानी कि 6.66 × 10³ वॉट की पावर यहां से आपकी हुई दिखाई दे रही है. और यहां पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, हाँ, तो आपके लिए क्या आ रहा है, ये 0 हो गया है, और ये आपके लिए आ रहा है 400. तो आपके लिए इसको देखेंगे तो ये 12 × 10³ वॉट यहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है. अगर आप ध्यान से देखें तो पावर आपको यहां पे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप फोर्स की यहां पे जरूरत आपको पड़ रही है 800 न्यूटन की मिनिमम, और यहां पे पड़ेगी पर यहां पे 8000 और यहां पे 10000 लाला. अच्छा तो फोर्स आपका कम हुआ है, पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी. ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सो एग्जर्ट एवरेज फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड. मैंने कहा नहीं, कैन एग्जर्ट एवरेज फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, कैन प्रोवाइड ए स्मॉलर एवरेज पावर. मैंने कहा नहीं, पावर ज्यादा होना चाहिए. कैन एग्जर्ट एवरेज फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, मस्ट प्रोवाइड द सेम एवरेज पावर. नहीं, पावर ज्यादा गलत है. डी वाले ऑप्शन पे चलते हैं. कैन एग्जर्ट एवरेज फोर्स ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, यस कैन एग्जर्ट एवरेज फोर्स ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, या बट मस्ट प्रोवाइड ए लार्जर एवरेज पावर आउटपुट. यस, पावर आपकी ज्यादा आ रही है तो ऐसा होना चाहिए, फोर्स आप कम भी लगाएंगे तो आप 800 केजी को उठा के लेके चले जाएंगे. 30 मीटर की दूरी आपको 20 सेकेंड के अंदर कवर करनी है, और यहां पे 20 मीटर की दूरी आपको 30 सेकेंड में करनी है. तो यहां पे आपको जो पावर ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा. अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार. तो इसका ऑप्शन डी आपको जाता हुआ दिखाई देगा, आप उसमें डी टिक करके आगे बढ़ सकते हो. ये मीडियम किस्म का सवाल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट की कैटेगरी में इसको रखना जो है ठीक नहीं होगा, जो एडवांस की तैयारी करने वाले बालकों के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पे. सवाल नंबर 6 क्या है, जरा ध्यान से देखिए. 6 वाले में आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है. ये क्या है, माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की पावर 4 है, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है. और सवाल में साथ में इंफॉर्मेशन दी है कि a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, मतलब a एंड b की जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अंधा आदमी भी निकाल लेता है. मतलब इक्विलिब्रियम चेक करना है, भैया पहले पोटेंशियल एनर्जी को एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए. ये आपका 2ax प्लस डिफरेंशिएशन किया तो आपके पास माइनस ऑफ 2ax आ गया, और यहां से आ रहा है 4bx की पावर 3, और इसको करेंगे अपन 0, और एक बार u डबल डैश भी निकाल लेते हैं, जो कि आपके पास आने वाला है माइनस ऑफ 2a प्लस माइनस ऑफ 2a प्लस, ये आपका आ जाएगा 12bx स्क्वायर. पहले यहां पे चेक करते हैं भाई साहब, यहां पे चेक करते हैं, ये आपका इक्वल टू 0 हो गया है, तो 4bx क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 2ax है. तो ये एक तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, यहां से x इज इक्वल टू 0 पे दोनों बराबर हो, एक और x अगर 0 नहीं है तो यहां से आपके पास आ रहा होगा x स्क्वायर, और x की वैल्यू आ जाएगी 2a बाई 4b. तो ये कट गया है आपका अंडर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई 2b, अंडर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई 2b. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मैंने एक तो x इक्वल 0 पे चेक करना है मुझे, और एक अंडर रूट ऑफ a बाई 2b पे चेक करना है. अगर मैं x को डालता हूं 0, अगर मैंने x को डाला 0 तो u डबल डैश की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है. u डबल डैश की वैल्यू नेगेटिव आ रही है क्योंकि a पॉजिटिव है, माइनस 2a नेगेटिव होगा, यानी कि माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड टाइप का
बोला बनेगा नेगेटिव है तो भैया ये अनस्टेबल हो गया, ये कंफर्म हो गया है कि यहां पे x इज इक्वल टू जीरो पे, x इज इक्वल टू जीरो पे du बाय dx जीरो है और डबल डिफरेंशिएशन वहां पे आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब ये है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो x इज इक्वल टू जीरो पे आप चेक कर लीजिए, बचा मुझे आप इस पे जब चेक करेंगे तो आप इसको पॉजिटिव पाइएगा, तो यहां पे आपको स्टेबल नहीं आता हुआ दिखाई देगा, सॉरी स्टेबल आता हुआ पॉजिटिव होगा तो ऐसा आएगा, तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। आपसे सवाल में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो आपका आंसर जो होगा वो x इज इक्वल टू जीरो हो गया डायरेक्टली, जो कि ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो आप टिक करके उस पे आगे बढ़ सकते थे। आप इस वाली वैल्यू को इसमें डालो, डाल के चेक करते हैं, माइनस ऑफ टू ए प्लस ट्वेल्व बी एक्स स्क्वायर, ट्वेल्व बी एक्स स्क्वायर, और इसको स्क्वायर कर लीजिए तो a अपॉन टू बी आ जाएगा, है ना लल्ला, तो b ने b की बत्तियां गुल कर दी और ये आपका कितना आ जा रहा है सिक्स आ जा रहा है, माइनस ऑफ टू ए प्लस सिक्स कितना हो गया है फोर ए हो गया है। अच्छा अच्छा ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है ना, तो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तभी ना यहाँ मिनिमम मतलब जो है डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो ये आपका आपका स्टेबल आ गया है। आपको सवाल में पूछा है कि कहां पे अनस्टेबल है, तो एक्स इज टू जीरो पे हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सठवां सवाल था भैया, सातवें वाले सवाल भी बढ़ते हैं आगे। सातवां सवाल, जरा ध्यान से देखिए क्या है सातवां सवाल। सातवें सवाल में एक लिफ्ट है और उसके अंदर लगा रखी है स्प्रिंग्स। अच्छा यहां पे एक स्प्रिंग है, यहां पे एक स्प्रिंग है और यहां पे लग रहा है फोर्स एफ, और ये है के वन, ये है के टू, और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है ए से। When a force F is applied to the combination of two springs as shown in the figure, the elongation in the upper spring will be the false system is inside a lift which is moving upward and the upper spring is ideal while the lower spring has mass M. अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पे टेंशन क्या है T है, तो अगर आप चीटा बन के यहाँ बैठिएगा तो सूडो आपको किधर लेना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ का जो टेंशन आने वाला है वो आ जाएगा आपका एम एम इन टू ए सूडो हो गया, और एक आपके लिए नीचे की तरफ एम जी लग रहा होगा और एक आपके लिए फोर्स लग रहा है, तो हमको तो लगता है कि भैया कैपिटल एफ होगा प्लस आपके लिए कैपिटल एम प्लस एम इन टू जी, इतना आपके लिए क्या आने वाला है यही वाला टेंशन आने वाला है। अब ये जो है वो आइडियल है, इसमें कोई मास नहीं है, तो दैट टेंशन मस्ट बी इक्वल टू इलोंगेशन इन एक्स वन, ऊपर वाले के अंदर इलोंगेशन एक्स वन हो गया, आपको क्या निकालना है, ऊपर वाले का इलोंगेशन ही निकालना है ना, ऊपर वाले का इलोंगेशन तो बड़ा ही सस्ते तरीके से आ गया, क्या आ गया है जरा ध्यान से देखिए एफ प्लस एम इंटू जी डिवाइडेड बाई के है, ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है, लल्लू सवाल है भैया ये तो बहुत ही लल्लू, एफ प्लस कैपिटल एम इंटू कैपिटल एम इंटू जी प्लस ए एम प्लस एम इंटू जी प्लस ए डिवाइडेड बाई के वन, एक मिनट स्मॉल एम हमारा कहां से आ गया भैया, कहां ये सॉरी यहां पे आपके पास क्या 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 लग रहा था, ये कैपिटल एम जी सॉरी टेंशन की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है यहाँ पे, टेंशन की जब आप इसका एपीडी बनाएंगे तो इसका एपीडी बनाएंगे तो क्या लग रहा है नीचे एफ लग रहा होगा, एक एफ लग रहा होगा, एक कैपिटल एम जी लग रहा होगा और दूसरा कैपिटल एम इंटू ए ही होगा ना यार, वो चलो स्मॉल एम है ही नहीं इसमें तो कहां से आएगा, जरा ध्यान से देखिए दोबारा स्मॉल एम तो है ही नहीं ना, और क्या लग रहा होगा ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, नीचे वाले के पेड़ी बनाना है के टू वाले की, तो यहां से टी की वैल्यू क्या आ गई आपके लिए इक्विलिब्रियम है, तो यहां से अरे कैपिटल एम है भैया वो जी प्लस ए, स्मॉल एम जैसी कोई चीज नहीं, ये आइटम अगर के एक्स वन के बराबर हो गया, ये आइटम अगर के एक्स वन के बराबर हो गया तो एक्स वन की वैल्यू यहां से क्या आ रही है आपके लिए एफ प्लस एम इंटू जी प्लस ए डिवाइडेड बाई के आ रही है, ऐसा कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है F प्लस एम इंटू जी प्लस ए डिवाइडेड बाई के वन, ये ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, वर्क एनर्जी दूर दूर तक इसमें कतई जरूरत ही नहीं है, एनएलएम का सवाल था सिंपल सॉल्व करते और आगे बढ़ जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अपन आगे बढ़ते हैं सेवंथ के बाद में आगे बढ़ते हैं एट्थ वाले सवाल पे, कौन से वाले सवाल पे, एट्थ वाले सवाल पे, जरा ध्यान से देखें क्या है एट्थ सवाल, एट्थ वाला सवाल है आपको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ एक्स दी हुई, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ एक्स दी हुई है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब, और आपको बोला है कि कहां पे स्टेबल है यहां पे अनस्टेबल, इक्विलिब्रियम के बारे में कमेंट करना है,
तो u डैश अपन निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 6x माइनस ऑफ 6x स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 बोल दीजिए और एक डबल डैश जो है वो निकालिएगा, तो डबल डैश निकालिएगा तो यहां से 6 आ गया है और यहां से आ गया है 12x, यानी 6 माइनस 12x। अब आप ध्यान से देखें तो 6x माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है आपके लिए 0, तो 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, एक तो आपका x आ गया है 0 और ये क्या आ जाएगा, एक यहां से काट दीजिए तो आपके पास x की वैल्यू 1 आएगी। आइए दोनों वैल्यू पे चेक करते हैं, u डबल डैश की वैल्यू, x को 0 डालिएगा, x को 0 डालिएगा तो u डबल डैश आपके लिए क्या आने वाला है, ग्रेटर देन 0 आने वाला है, x को 1 डालिएगा तो u डबल डैश आपका माइनस 6 आएगा जो कि लेस देन 0, लेस देन 0 यानी इस तरह से और ये इस तरह से। तो आपको क्या चाहिए भाई साहब, x इज इक्वल टू 0 इज स्टेबल, यस x इज इक्वल टू जीरो पे स्टेबल, यस अपवर्ड है, और x इज इक्वल टू 1 पे अनस्टेबल, मतलब बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हो गया भाई साहब, पहला ही ऑप्शन आपका सत्य जवाब है, x इज इक्वल टू 0 पे आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा और x इज इक्वल टू 1 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत शानदार लल्लू सवाल था, टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे। 8th के बाद में आगे बढ़ते हैं 9वें सवाल पे, कौन से वाले सवाल पे, 9वें सवाल। अभी तक के 8वें के 8वें सवाल एक अच्छे से पढ़ने वाला बालक सॉल्व कर सकता था, कोई भी सवाल आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ भी बहुत ज्यादा आपको उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 पे, कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 9, एक मिनट, सवाल नंबर 9 ध्यान से देखिए क्या है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में आपको एक फोटो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक फोटो दिया हुआ है और एक धागा है जिसकी लंबाई कितनी है, एल है, और इसको रिलीज किया जा रहा है कहां से, यहां से, और ये धागा ऐसा हो जा रहा है फाइनल कंडीशन में, यहां पे कील ठोक कर रखी है और फिर धागा हो गया आपका ऐसा, अच्छा ओहो, और यहां पे अच्छा ये फिक्स हो गया, धागे की लंबाई आपको कैपिटल एल दी हुई है, यानी ये वाली लेंथ आपको क्या दी हुई है, कैपिटल एल दी हुई है। अच्छा भाई साहब, इन द फिगर ए स्फीयर इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इन पोजिशन 1 है और एंड्स इट अपवर्ड स्विंग एट पोजीशन 2 है, फोटो देखा, इग्नोरिंग फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द, अच्छा भाई साहब तो यहां से यहां में पहुंचा है जिसके पास यहां पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहां भी पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि ये जब रुका होगा तब ये ऐसा रहा हो, है ना। तो एक बात तो साफ साफ दिखाई दे रही है यहां पे कि मान लीजिए कि इस ये वाली हाइट आपके लिए क्या है, ये वाली हाइट आपके लिए h1 है, तो अब जो इसकी हाइट होगी वो भी h1 के बराबर ही होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि भैया ऐसा इसलिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम रहनी चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पहले भी जीरो थी यहां से रिलीज किया तब भी, और अब भी आपके लिए क्या आने वाली है, जीरो ही आने वाली है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी सेम होनी चाहिए, मतलब ये वाली हाइट, अच्छा मान लीजिए कि ये वाली हाइट आपके लिए h2 है, क्या है, ये आपकी h2 है और यहां से लेके नीचे तक वाली ये वाली हाइट मान लीजिए h3 है, तो एक बात साफ दिखाई दे रही है कि h1 मस्ट बी इक्वल टू h2 प्लस h3, क्योंकि यहां पे एयर का रेजिस्टेंस है नहीं और कील यहां पे जो भी फोर्स लगेगा उसका वर्क डन आने वाला है जीरो, तो आपके लिए टोटल लेंथ l है, तो ये वाली लेंथ आपको कुछ दिया है सवाल में l, तो ये हो जाएगी l माइनस l, है ना। तो मुझे अगर h1 चाहिए, h1 की वैल्यू हो जाएगी, अच्छा कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, ये एंगल थीटा है, ये एंगल आपका फाई है और यहां पे एक एंगल त्रिशूल बना के दिया है साइन, आपको बोला है कि ला 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 ला, आप तो h1 को आप कोई भी लिख सकता है, h1 को इस वाले ट्राइंगल से कोई भी अंधा आदमी क्या लिख देगा, l cos थीटा, क्या क्या चीज, l cos थीटा है, और यहां से आपके लिए जो है h2 आने वाला है वो आने वाला है l cos phi है, अच्छा, और दूसरा जो h3 आने वाला है, लल्लू सवाल है, तो l माइनस l इंचो साइन कोस साइन, ठीक है, आपको क्या चाहिए इस सवाल में, आपको चाहिए कोस साइन चाहिए, तो भैया भी मतलब जो है कोस साइन निकाल लीजिए, यहां से कहां से निकालिएगा, यहां से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा वो l cos थीटा माइनस ऑफ l cos फाई डिवाइडेड बाई l माइनस l है कोस साइन, ये आपको ऑप्शन सी में दिखाई देगा, ये आपको ऑप्शन सी में दिखाई देगा, इसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ये सवाल था 9वां, आगे बढ़ते हैं अपन सवाल नंबर 10 पे, कौन से सवाल पे, सवाल नंबर 10 पे, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये तो सबका सही हुआ होगा,
मैग्नेटिक फ्लक्स की आपको डायमेंशन निकालनी है सवाल नंबर 10 में। क्या है जरा ध्यान से देखिए, 10 मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपको याद हो तो फाइव इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा डायमेंशन लेस बी इंटू ए के बराबर होगा, एरिया आपका मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर हो जाएगा। आपको बी की डायमेंशन निकालनी होगी, बी की डायमेंशन आप ऐसे निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला याद कर दी एफ इज इक्वल टू आई एल बी, तो बी की वैल्यू होगी एफ अपॉन आई एल, एफ हो गया आपका बी की डायमेंशन निकालनी, तो एफ की डायमेंशन हो गई आपके लिए एम एल टी माइनस टू, आई इज करेंट और एल इज एल, तो यहां से हो गया आपका M1 L0 T की पावर माइनस टू आई की पावर माइनस वन और इनटू एरिया कर देंगे तो आपको फाइव की डायमेंशन मिल जाएगी M T माइनस टू आई की पावर माइनस वन इंटू एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई आई, इस तरह का कहीं दिखाई दे रहा है क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू आई की पावर माइनस वन, ये आपको दिखाई देगा ऑप्शन डी में। तो एक लल्लू किस्म का सवाल था जो कि हर प्राणी से सही होना ही चाहिए था। आगे बढ़ते हैं अपन सवाल नंबर 11 की तरफ, ये था दसवां, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11। क्या है सवाल नंबर 11, जरा ध्यान से देखिए सवाल नंबर 11। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, क्या है अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, और दो पार्टिकल को रिलीज किया गया है जिनका चार्ज Q1 Q2 है, चार्ज Q1 Q2 है, मास M1 M2 है और दोनों के पाथ इस तरह से दिए हुए हैं, है ना लल्ला। अच्छा भाई साहब, अगर आप ध्यान से देखें तो आप जानते हैं कि दोनों पार्टिकल क्या करने वाले हैं, सर्कुलर करने वाले हैं। अगर ये सर्कुलर कर रहे हैं तो भाई साहब अगर आप ध्यान से देखें तो पहले वाले का रेडियस जो है, पहले वाले का रेडियस कहीं इनका सेंटर ये देखिए, मान लो कि इनकी रफ्तार इधर थी तो यहां कहीं इनका सेंटर आने वाला है, मान लीजिए कि इसका रेडियस R1 आ गया, पहले वाले का रेडियस R1 आ गया और सेकंड वाले का रेडियस क्या आ गया है R2 आ गया है, ये 1 है ये 2 है, तो एक बात साफ दिखाई दे रही है। अरे आप जानते हैं ना कि V क्रॉस B, V क्रॉस B से अगर आप ध्यान से देखें V आपका इस साइड है, कैसा है V ऐसा है और B आपका अंदर की तरफ है, टू चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्जेस Q1 एंड Q2, मास M1 प्रोजेक्टेड एट सेम वेलोसिटी इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दे फॉलो द ट्रेजेक्ट्री एज शोन, है ना, क्यू नेगेटिव होगा तभी इस तरह से आप जा पाएंगे। अरे वी आपका मान लो कि मैंने वी ऐसा ले लिया तो वी क्रॉस बी करेगी तो ऊपर आएगा, भी ऐसे जाना चाहिए था, इसका क्यू नेगेटिव। खैर हमें तो मैग्नीट्यूड कंपेयर करना, हमें क्या करना है मैग्नीट्यूड कंपेयर करना होगा, तो यहां से एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि आर टू बड़ा होगा आर वन से, क्या होगा आर टू बड़ा होगा R1 जो है वो रेडियस से पहले वाले का सर्कल बात का और R2 जो है वो दूसरे वाले का, और R अपन जान क्या जानते हैं, R इज इक्वल टू था mv अपॉन qb, टू चार्ज पार्टिकल हैविंग qn qb जो प्रोजेक्टेड एट सेम वेलोसिटी इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे फॉलो द ट्रेजेक्टरी इन द फिगर। अच्छा R सेम, मास सेम है, तो दोनों का रफ्तार सेम है, सॉरी क्या है रफ्तार सेम है, b सेम है, इसका मतलब रेडियस जो है वो m और q पे डिपेंड कर रहा है, तो भैया M2 डिवाइडेड बाई Q2 जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन M1 डिवाइडेड बाई Q1, है ना, ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा, कैसे, क्योंकि रेडियस 2 जो है वो ज्यादा आ रहा है रेडियस 1 से। अब हम क्या कंपेयर कर पाएंगे कि M2 बड़ा है M1 से, मैंने कहा नहीं, Q2 बड़ा है Q1, कमेंट नहीं कर सकते, बस दोनों का रेशियो यहां से क्लियर है, अरे यहां की नहीं है, ऐसा कंफर्म नहीं बोल सकते ना कि M2 पक्का ही बड़ा होगा M1 से, मैंने कहा नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये जरूरी थोड़ी है कि M2 बड़ा होगा M1 से, M2 M2 की वैल्यू हो जाए मान लो कि आपके लिए 2 है ना, और इसकी वैल्यू हो जाए 4, इसकी क्या हो जाए M2 आपके लिए मान लो कि इसको 4 रख दिया हमने और इसको क्या क्या रख दिया है हमने 2 रख दिया, ठीक है, और इसको मान लो 4 एंड इसको अपने 2 रख दिया, तब आपका आंसर इसको 1 रख दीजिए, तब भी ये पॉसिबल है कि ये बड़ा आ जाए आपके लिए, और मान लो कि मैं जो है इसको इसको आपको बड़ा लाना है ना, तो ये वाले को आप कर दीजिए 2 को यहां पे 4 को यहां पे, है ना, तो मैं फिर Q2 को इतना कम करूं कि मान लो कि इसको मैं 0.1 कर दूं, 0.1 कर दूंगा तो भैया ये छोटा है लेकिन फिर भी ये बड़ा आ जाएगा, 20 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो हम कंफर्म नहीं कर सकते कि M2 और M1 में बड़ा कौन है या Q1 और Q2 में बड़ा कौन है, तो आंसर आपका क्या जाना चाहिए, नन ऑफ द दीज, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपको यहां पे जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन सवाल नंबर 12 की तरफ, ये था 11, सवाल नंबर 12 की तरफ,
क्या है सवाल नंबर 12, जरा ध्यान से देखिए सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में क्या है, आपको बोला गया है कि एक खेत है और इसमें एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है। अच्छा, खेत की लंबाई यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वाले इस खेत की लंबाई आपको जो है क्यू चार्ज वाला ये चार्ज पार्टिकल पी लीनियर मोमेंटम के साथ इस खेत में घुस रहा है, और खेत में क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सी डायरेक्शन में है, अंदर की डायरेक्शन में है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी रफ्तार आपको पता है, बी की डायरेक्शन पता है, तो ये क्या करने वाला है, सर्कुलर करने वाला वी क्रॉस बी यानी कि ऊपर की तरफ सेंटर आएगा आर दूरी पे, और ये रेडियस जो है, रेडियस आपका क्या होता है, मैंने कहा एमवी अपॉन क्यू बी, रेडियस क्या होता है एमवी अपॉन क्यू बी। आपको दिया गया है कि डी इज लेस देन पी डिवाइडेड बाई बी क्यू। मैंने कहा अच्छा, यहां पे अगर आप रेडियस की बात करेंगे तो वो हो जाएगा पी, एमवी की वैल्यू पी होगी और क्यू बी। अच्छा, मतलब डी इज लेस देन रेडियस। मैंने कहा हाँ, तब तो डेविएशन आएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, यहां पे बाहर निकल जाएगा। अगर पी ही मैग्नीट्यूड पी रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो सेंटर इसका कहां रहा होगा, यहां कहीं रहा होगा, सेंटर सर्कुलर कर रहा है, ये रेडियस आर, ये एंगल 90 रहा होगा, ये एंगल 90 रहा होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा। अच्छा, थीटा को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ये वाली दूरी क्या है आपके लिए, ये वाली दूरी आपके लिए जो है वो डी है, तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू डी बाई आर आ रही है। आपको निकालना क्या है, आपको साइन ही थीटा निकालना है। अच्छा भाई साहब, तो निकाल दीजिए, उसमें क्या है डी डिवाइडेड बाई आर है, डी डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू अपने पास क्या है P डिवाइडेड बाई क्यू बी, पी डिवाइडेड बाई क्यू बी, उधर चला जाएगा डी क्यू बी, डी क्यू बी डिवाइडेड बाई पी डी क्यू बी, बी क्यू डी डिवाइडेड बाई पी, आपको ऑप्शन ए में दिखाई देगा। टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे, लल्लू सवाल था, इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा टफ रॉकेट साइंस वाली कोई बात थी नहीं, आराम से आप सॉल्व करते और आगे बढ़ जाते। तो ये था सवाल नंबर आपका कौन सा 12। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13। हाँ, बढ़िया 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 बढ़िया। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 जरा ध्यान से देखिए क्या है। सवाल नंबर 13 में पांच जो है वायर है यहां पे, एक दो तीन चार और पांच, यहां अंदर की तरफ करंट है आई नॉट आई नॉट आई नॉट आई नॉट, और यहां पे है थ्री आई नॉट, और ये है सेंटर वाला पॉइंट, और ये वाली दूरी है ए ए ए ए ए। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें तो भाई साहब, इसके कारण मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे कौन सी डायरेक्शन में आने वाला है, आपका बाहर की तरफ है, और इसे उंगलियां कर दीजिए, इस डायरेक्शन में आने वाला ऐसा आएगा, उसके कारण कैसे आएगा, उंगली बाहर कर दीजिए ऐसे 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 ऐसे, सबके कारण बराबर आएगा। मैंने कहा हाँ, आई मीन थ्री आई नॉट को ओपन है ना, आई नॉट प्लस टू आई नॉट लिख लो, अगर ये आई नॉट होता तो इसके कारण भी सेम ही आता, तो जो भी आएगा पांच ऐसे बराबर आने वाले हैं, बाकी सब अगर आई नॉट एक दो तीन चार पांच, उन सब का तो सम जीरो हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो टू आई नॉट के कारण ही रहेगा, क्योंकि बाकी जो आई नॉट सिमेट्री है और सब जो है सेम ही टाइप का है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नेट रिजल्टेंट आपके लिए कौन कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला है, टू आई नॉट करने वाला है, कहां पे ओ पे। तो भाई साहब, हम जानते हैं ना कि इनफाइनाइट है, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी, अरे फोर पाई डी था, इंटू वन प्लस वन है, टू पाई डी हो गया। अब यहां पे कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला टू आई नॉट है, बाकी सबका कैंसल आउट हो जाएगा, टू आई नॉट डिवाइडेड बाई टू पाई डी, डी की वैल्यू क्या है ए है, बीच की दूरी ए है ना, तो दो ने दो की बत्तियां गुल कर दी, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन पाई ए, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन पाई ए, ये आपको ऑप्शन सी में दिखाई देगा, बिल्कुल लॉजिकल था, जिसमें ये आई नॉट सब कैंसिल हो जाएंगे, टू आई नॉट का ही कॉन्ट्रीब्यूशन आने वाला है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। लल्लू सवाल था, कैसे सवाल था, लल्लू सवाल था, सॉल्व करके आप आगे बढ़ सकते थे, कोई कैलकुलेशन भी नहीं थी, है ना, आसान सवाल।
सारे सवाल लगभग लगभग जो है आसान की कैटेगरी के ही हैं, मीडियम या मीडियम से कमजोर किस्म के सवाल है, तो आप इनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इसलिए टेस्ट आपके लिए वैसे स्कोरिंग होना चाहिए था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है चैप्टर दोनों तो अच्छा करते। चलिए सवाल नंबर 14 पे पढ़ते हैं अपन। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसको घुमाया जा रहा है सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर मेकिंग एन टर्न से। अच्छा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन को अपन ऐसे घुमा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। कैसे घुमा रहे हैं, ओमेगा कितना दिया हुआ, एन टर्न है, एन टर्न है, हर एक टर्न में 2π घूम रहा है एक सेकंड में, तो इतना रेडियन पर सेकंड आपके लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैंने कहा अगर आपको करंट निकालना है तो आई की वैल्यू होती है क्यू बाई टी एक टाइम पीरियड में, तो क्यू यहाँ पे ई है और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2π बाई ओमेगा, और ओमेगा ऊपर चला जाएगा यानी n इंटू 2π, 2π ने 2π की बत्तियां गुल की, n इंटू ई आपके लिए करंट आ जाएगा। अच्छा, करंट अगर आपको पता लग गया है तो आपको क्या निकालना है, सेंटर पे बी निकालना है। सेंटर पे बी आपका क्या होता है, मैंने कहा म्यू नॉट आई अपॉन 2R होता है, R इज द रेडियस, तो I की वैल्यू यहां डाल दीजिए, यानी कि म्यू नॉट एन ई डिवाइडेड बाई 2R, म्यू नॉट एन ई डिवाइडेड बाई 2R, यानी कि म्यू नॉट एन आई एन ई टू म्यू नॉट एन ई डिवाइडेड बाई 2R, ये आपको ऑप्शन बी में दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा, ऑप्शन बी में आपको ये दिखाई देगा, इसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ये था सवाल नंबर 14। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 देखिए जरा ध्यान से। सवाल नंबर 15 में आपको एक फोटो दिया गया है, क्या फोटो है जरा ध्यान से देखिए। फोटो इस तरह का है कि यहां पे है 2 एम्पियर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ यहां पे क्रॉस है 2 एम्पियर, और यहां पे है आपका 3 एम्पियर, और यहां पे है आपका 1 एम्पियर बाहर की तरफ। ए आपको यहां पे दिया गया है, कौन सा वाला ए है भाई साहब, ए वाला जो कार्यक्रम है वो यहां पे ये है, कौन सा वाला है, ये ए है। तो ए के करस्पॉन्डिंग आपके पास कितना आने वाला है, 3 + 1 = 4 - 2, यानी कि नेट जो करंट अंदर की तरफ आने वाला है वो आने वाला है 2। बी कहां से कहां तक दिया है, बी आपको दिया हुआ है ये और ये इंक्लूड किया गया है, ये बी है, तो बी में जो नेट करंट आने वाला है वो 3 और 2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बी के करस्पॉन्डिंग 5 आने वाला है। ठीक है, सी आपका कौन सा है, इन तीनों को लिया है, नहीं ए आपका जो था ना ए आपका ये वाला है, कौन सा वाला है, ए यहां पे लिया ऐसा, सॉरी ए ये है और ये वाला सी था, ये ए मार्क किया गया, ये सी मार्क किया गया, सी में आपको कितना आ गया, 2 आ गया, और ए देखिए जरा ध्यान से, ए वाला है, तो यहां पे प्लस का 2 है और यहां पे माइनस का 2 कर दिया, ए के करस्पॉन्डिंग 0 आ गया आपके लिए। और डी कहां है, डी बार की तरफ, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, इसमें ए आपका ये वाला है ऐसा वाला, बी आपका ऐसा वाला है, सी आपका ऐसा वाला, और डी बार वाला है, तो टोटल अगर आप देखिएगा तो 2, 3, 5 और 1, 6 - 2 कर दिया तो 4 आने वाला है, डी के करस्पॉन्डिंग 4 आने वाला है। तो यहां पे ए सी डी बी इस ऑर्डर में आपके पास आने वाले हैं, ए सी डी बी इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर बोला गया है। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल में म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज और आई इनक्लोज जितना ज्यादा होगा उतना फ्लक्स ज्यादा होगा, तो ए सी डी बी ये आपको कहां दिखाई देगा, ये आपको ऑप्शन बी में दिखाई देगा, कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा, बी ऑप्शन में आपको दिखाई देगा, तो आप उसको बी को टिक करके आगे बढ़ सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। सवाल नंबर 16 क्या है, सवाल नंबर 16 जरा ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 16 में क्या है, कंसिडर हाइपोथेटिकल स्फेरिकल बॉडी है, हाइपोथेटिकल स्फेरिकल बॉडी ये रही भाई साहब, ओ हो 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 हो, यहां पे है आपके पास मास m, यहां पे है आपका चार्ज q है, और इसको घुमाया जा रहा है ओमेगा से, इसको ओमेगा से
घुमाया जा रहा है. मैंने कहा अच्छा. कंसीडर हाइपोथेटिकल स्फेरिकल बॉडी, द बॉडी इज कट इनटू टू पार्ट्स अबाउट द डायमीटर, वन ऑफ द हेमिस्फीयर पोर्शन हैज मास डिस्ट्रीब्यूशन m व्हाइल द अदर पोर्शन हैज आइडेंटिकल चार्ज q, द बॉडी इज रोटेटेड अबाउट द एक्सिस विद कांस्टेंट ओमेगा, देन द रेशियो मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंट. भाई साहब बहुत फेवरेट है आईडी जेई का भी ये मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम का ये रेशियो. भाई साहब बॉडी की शेप पे भी डिपेंड नहीं करता, q बाय 2m आता है. क्या आता है? q बाय 2m है, q बाय 2m. काफी बार आपने आईडी जेई के सवालों में भी इसको यूज किया होगा, आपको थ्योरी में भी पढ़ाया है. जैसे मैं बहुत आसान सा एक चार्ज क्यू को ऐसे घुमा दूं, मैंने मान लो कि चार्ज क्यू को ऐसे घुमा दिया, मास एम है, ओमेगा से घुमा रहा हूं, ओमेगा से घुमा रहा हूंगा तो करंट क्या चल रहा होगा? करंट चल रहा होगा क्यू डिवाइडेड बाय टू पाई बाय ओमेगा. इतना आपको करंट चल रहा होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा आई इंटू ए, यानी कि क्यू ओमेगा टू पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी हो गया q ओमेगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. और एंगुलर मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा? m डिवाइडेड बाय l है, तो ये q ओमेगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और l की वैल्यू होती है i ओमेगा, l इज एंगुलर मोमेंटम, घूम रहा है i ओमेगा, मास पॉइंट मास है, तो m r स्क्वायर आपका i हो गया इंटू ओमेगा कर दीजिए, ओमेगा से ओमेगा कट गया, आर स्क्वायर से आर कट गया, ये रेशियो क्यू बाई टू एम आता है. आइटम बने कोई सा भी हो, कल को आपने अगर चार्ज क्यू मास m का एक स्फीयर है इसको ऐसे घुमा दिया तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको चाहिए होगा तो आप क्या करेंगे? ओमेगा इंटू एल कर देंगे, ओमेगा ओमेगा एल की वैल्यू आई ओमेगा, आई की वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा आ जाएगा. तो यहां से आपको एंगुलर मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा से, तो आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी आई, यहाँ पे क्या है एल, यहाँ पे क्यू बाई टू एम, क्या है क्यू बाई टू एम, ये आपका आई ओमेगा हो गया. ठीक है, क्यू बाई टू मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम का ये रेशियो जो होता है वो क्यू बाई टू एम आता है. तो क्यू बाई टू एम आता है भैया, तो लेस देन ग्रेटर देन क्यों होगा? इक्वल टू ही होगा. ए आंसर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा. टिक करके आप आगे बढ़ सकते. लल्लू सवाल है, लल्लू सवाल था ये, बड़ी आसानी से आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे. चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 के बाद में सवाल नंबर 17 की तरफ. क्या है 17 वाला सवाल? 17 वाले सवाल में एक रिंग है, ओ करंट आई लेके जा रही है, इसको बैलेंस करना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे इस पे एमजी लग रहा होगा. मैंने कहा मैग्नेटिक फोर्स होता है आपका आई एल क्रॉस बी, और सौभाग्य से यहाँ पे बी जो है वो यूनिफॉर्म है, और एल वेक्टर आपका कैसा है? वो घूम फिर के यहीं पे आएंगे, तो आपके पास क्या होने वाला है? एल वेक्टर जीरो. तो मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स आपके लिए क्या लगने वाला है? क्लोज लूप. अपन जानते हैं कि क्लोज लूप प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट फोर्स आपके लिए क्या लगने वाला है? जीरो. तो इस पे, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है, फोर्स मैग्नेटिक याला ये जो नेट, ये जीरो आएगा हमेशा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, क्लोज है वाली. तो भैया इसको वेट को बैलेंस करना मैग्नेटिक फोर्स में कभी भी नहीं कर सकता यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. तो भाई तुम एक्स में लगाओ, वाई में लगाओ, जेड में लगाओ, किधर भी लगो, इसको गिरना ही होगा, इसको गिरना होगा, क्योंकि नीचे इसमें एमजी बुला रहा है, यानी धरती माता बुला रही है, मैग्नेटिक फोर्स रोक नहीं सकता. एक क्लोज लूप, तो इसकी वैल्यू नेट जीरो आती है, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको सवाल में दिया हुआ है. तो आंसर आपका जाना चाहिए नन ऑफ द अबो डी को टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे. ये सवाल नंबर 17 था, थोड़ा फास्ट बढ़ते हैं अपन सवाल नंबर 18 की तरफ. सवाल नंबर 18 जरा ध्यान से देखिए क्या है. सवाल नंबर 18 क्या है? सवाल नंबर 18 जरा, अ पार्टिकल पर यूनिट मास इज पर यूनिट मास, यानी कि पार्टिकल चार्ज पर यूनिट मास, यानी कि क्यू बटा एम आपको क्या दिया हुआ सवाल में? अल्फा दिया हुआ है. लीव फ्रॉम द ओरिजिन वेलोसिटी इसकी जो है वो वी नॉट आई कैप है, यानी आई कैप के अंदर है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, बी आपको दिया हुआ है माइनस ऑफ बी नॉट के कैप. इफ द पार्टिकल पासिस फ्रॉम थ्रो 0, y, 0 देन y इज इक्वल टू. अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है आपका माइनस के कैप में और रफ्तार है इसकी i में. अपन जानते हैं फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता है? v क्रॉस b की डायरेक्शन में लगता है. तो i इंटू माइनस के कैप आपके लिए क्या आ जाएगा? i इंटू माइनस के कैप आ जाएगा j कैप की डायरेक्शन में. तो ये अगर आपका x है और ये वाला अगर y है, तो आपने रफ्तार जो दी है वो v नॉट इस डायरेक्शन में दी है, और भाई साहब क्या करने वाले हैं? सर्कुलर करने वाले हैं, डर ऐसे आ जाएंगे. जब यहां पे कट करेंगे तो 0, y, 0 हो जाएगा. यहां पे सेंटर है, ये r है, ये r है, तो y कोऑर्डिनेट 2r के बराबर आने वाला है. y कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है?
टू आर के बराबर, और टू इंटू आर तो अपने को पता है एम वी नॉट अपॉन आर इज एम वी अपॉन क्यू बी ए क्यू बी ए क्यू बी ए। अच्छा क्यू बटा, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से आपको एम बाई क्यू की वैल्यू क्यू बटा एम की वैल्यू वन बाई अल्फा मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा टू वी नॉट अल्फा बी, टू वी नॉट अल्फा बी, टू वी नॉट डिवाइडेड बाई, मतलब ये बी जो है बी नॉट दिया हुआ है, बी इज बी नॉट, तो टू वी नॉट बी नॉट अल्फा, ये आपको ऑप्शन सी में दिखाई देगा। कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा? सी ऑप्शन में दिखाई देगा। आप सी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ये सवाल नंबर था 18। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19। कौन सा सवाल है? सवाल नंबर 19, जरा ध्यान से देखिए क्या है सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 क्या है? पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम, चार्ज क्यू है मास का एम है, मूविंग स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द ओरिजिन अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप, E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड है आपका B इज इक्वल टू बी नॉट आई कैप। अच्छा दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। वेलोसिटी जो है V इज इक्वल टू वी नॉट जे कैप, ठीक है ये हो गया आपका X एक्सिस और ये हो गया आपका Y एक्सिस, ये है आपका Z एक्सिस। पार्टिकल जी को रफ्तार मिली इधर ओके, तो V क्रॉस B करेंगे, जे क्रॉस वी क्रॉस बी करेंगे तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के कैप, यानी माइनस के कैप की डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। मान लो बाहर की तरफ के फोर्स उधर की तरफ लगेगा तो ये सर्कुलर ऐसा करता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन साथ साथ में वो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो इधर ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, इंक्रीजिंग पिच टाइप का आएगा, पिच भी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लग रहा है तो इसको खींच के लाएगा, तो एक हेलिक्स बनता हुआ दिखाई देगा विद इंक्रीजिंग पिच का। चलिए तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जो रफ्तार है वो V नॉट J कैप है, क्या है? V नॉट J कैप है, और वो आपकी हमेशा V नॉट ही रहेगी स्पीड, क्योंकि ये जो V नॉट है ये इसको घुमाने का काम कौन कर रहा है? ये घुमाने का जो काम कर रहा है वो आपका जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रफ्तार चेंज करने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में इसकी रफ्तार को बढ़ाएगा। पहले क्या थी? पहले रफ्तार जीरो थी किसी टाइम टी पे, जो रफ्तार एक्स में इसकी होने वाली है क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई में, और वाई और जेड में जो भी रिजल्टेंट आएगा वो वी नॉट ही रहेगा हमेशा। ये आपको री वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक्सेलरेशन हो जाएगी ई बटा चार्ज क्या था भैया? क्यू है ना? हाँ क्यू है, क्यू इंटू ई, ई की वैल्यू ई नॉट डिवाइडेड बाई एम इंटू टी इसी भी टाइम पे ही आ रहा है। अब आप ध्यान से देखें, आपको बोल रहा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बिकम टू वी नॉट। अच्छा किसी भी टाइम पे जो इसकी स्पीड आने वाली है वो वी एक्स का स्क्वायर प्लस ये वी नॉट तो हमेशा ही रहेगा, वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी नॉट। इसका मतलब क्या है? यहां से ये आ गया कि भाई साहब वी एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है? वी एक्स की वैल्यू आने वाली है आपके लिए, अगर आप ध्यान से देखें तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, रूट थ्री टाइम ऑफ वी नॉट आने वाली, क्या आने वाली? रूट थ्री टाइम ऑफ वी नॉट, तो ये कार्यक्रम क्या हो जाएगा? रूट थ्री टाइम ऑफ वी नॉट, तो यहां से टी की वैल्यू क्या आ रही है सॉल्व करके? रूट थ्री वी नॉट क्यू ई नॉट, सॉरी रूट थ्री वी नॉट, और इधर आप लेके जाइएगा तो एम आ जाएगा डिवाइडेड बाई क्या है? क्यू ई नॉट डिवाइडेड बाई क्या है? क्यू ई नॉट है, रूट थ्री एम वी नॉट डिवाइडेड बाई क्यू ई नॉट। इतने टाइम के बाद में जो रफ्तार है वो टू वी नॉट हो जाएगी, ये आपको रूट थ्री एम वी नॉट डिवाइडेड बाई क्यू ई आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। इसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ, ये लास्ट अपना ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, इसके बाद न्यूमेरिकल रेस्पॉन्स के पांच सवाल अपने को देखने हैं। चलिए भाई साहब 20वां सवाल क्या है? एम्पियर्स लॉ के बारे में ज्ञान बांटा हुआ दिखाई दे रहा है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। चलिए भाई साहब क्या बोल रहा है 20वां? एंड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज योर मीन ऑन आई एनक्लोज व्हिच इज द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ इज करेक्ट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द लूप चेंजेस विद टाइम। मैंने कहा ऐसा किसी ने बोला ही नहीं, गलत बात। दूसरा बोल एम्पियर्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली प्लेनर सिमेट्रिकल बॉडी। निकलना ही सब सिमेट्रिकल है, नहीं जरूरी थोड़ी ऐसी कुछ भी ले ले यार, प्लेनर ले ऐसे ही ले, कैसी भी ले तू। इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल प्लेनर या थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। पाथ कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। सत्य जवाब डी बोल।
एम्पियर रूल कैन बी अप्लाई टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलनॉइड एंड टोरॉइड ओनली। मैंने कहा नहीं भी इंफिनिट वायर का भी निकाला था और भी बहुत सारी जगह निकाला था, इंफिनिट शीट का ये वो। तो भैया बहुत बहुत जगह लगाया जा सकता है, बिल्कुल इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो डी वाला भी गलत हो गया, तो आंसर आपका क्या हो गया? सी हो गया। रद्दी सवाल है, आगे बढ़िए भाई साहब। सवाल नंबर 21 पे, सवाल नंबर 21 क्या है? सवाल नंबर 21 जरा देखते हैं, न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स का ये सवाल है। 21 आपको बोल रहा है टू वायर्स लॉन्ग वायर्स के लिए करंट आई नॉट एंड आई वन ग्रेटर देन आई टू। यहाँ पे आपके पास दो वायर है सेम डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आई वन और आई टू लेके जा रहे हैं विद आई वन ग्रेटर देन व्हेन द करंट इन द सेम डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट मिडवे बिटवीन द बीच की दूरी डी मान लीजिए। तो यहाँ पे डी बाई टू पे, ये डी बाई टू, ये डी बाई टू पे, यहाँ पे क्या होगा? When the currents are in same direction, the magnetic field at a point midway between the wire is 10। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखिए ये दूरी सेम है तो आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंदर की तरफ और इसके कारण क्या आने वाला है बाहर की तरफ। अच्छा, बी अगर आपको याद हो तो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी हो जाता है, डी बीच की दूरी होती है ना। अच्छा, तो ये पूरा कार्यक्रम जिसको मान लो कॉन्स्टेंट मान लिया मैंने, बीच की दूरी तो सेम आने वाली है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा आई है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे ये ऐसे एंड ये ऐसे है ना, दूरी तो आपकी d/2 d/2 सेम आने वाली है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों अपोजिट है, ज्यादा कौन सा आने वाने वाला? अल्फा आई वन और अंदर की तरफ और अल्फा आई टू बाहर की तरफ। तो ये अल्फा आई टू इसमें से घटा दीजिए, ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 10 आनी चाहिए। फिर आप बोल रहे हैं कि आई टू की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, आई टू की डायरेक्शन ऐसे कर दी बाद में, तो ये वाली वैल्यू जो है तो ये वाली एड हो जाएगी, अल्फा आई टू के बराबर हो जाएगी। और ये कार्यक्रम कितना दिया हुआ आपको? डायरेक्शन आई टू रिवर्स 30 बन गया। तो आई वन और आई टू का रेशियो बताना है, बता दीजिए भैया, दोनों को एड कर दीजिए, दोनों को एड कर दीजिए। तो ट्वाइस ऑफ अल्फा आई वन इजिकल टू 40, यानी कि अल्फा आई वन की वैल्यू आ रही है 20, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो अल्फा आई टू माइनस अल्फा आई टू ट्वाइस ऑफ अल्फा आई टू इज इक्वल टू 20, तो अल्फा आई टू की वैल्यू आ रही है 10। अब आपको क्या करना है? आपको आई वन बाई आई टू करना है, अल्फा आई वन डिवाइडेड बाई अल्फा आई टू है, दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज इक्वल टू 2 आपका आंसर आ जाएगा। 2 आपका आंसर यहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आंसर न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स में आप आंसर 2 फिल करके आगे बढ़ सकते थे। चलिए भाई साहब, तो ये था आपका सवाल नंबर 21। आगे बढ़ते हैं 22 पे, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 पे। सवाल नंबर 22 जरा ध्यान से देखिए क्या है। 22 चार्ज पार्टिकल एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी वी नॉट परपेंडिकुलर टू इट्स द लेंथ ऑफ फील्ड इज दिस। अच्छा, रूट 3/2 आर है, इसका मतलब वो आर से कम है, आर से कम है रूट 3। तो यहां से आप कितनी रफ्तार से जा रहे हैं? वी नॉट से जा रहे हैं, और जो खेत की लंबाई है यानी कि जो ये लंबाई है ये आपकी मान लीजिए d है और ये d इज लेस देन r है, ठीक है, x x इज लेस देन r है। देन द एंगल कितने पे निकले? हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द दिस। अच्छा, मैंने कहा ये बाहर आएगा ऐसे और कुछ डेविएशन हो जाएगा, ये वाले रफ्तार अगर वी नॉट से आ रहा तो वी नॉट से जाएगा, ये एंगल अगर आपका थीटा है तो यहां से कनेक्ट कर दीजिए सेंटर से, ये 90 हो गया, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल थीटा हो गया, कौन सा वाला? ये 90 माइनस थीटा, ये थी ये थीटा, तो ये थीटा, थीटा पता करना है तो यहां पे लिख लीजिए, ये आर हो जाएगा आपके लिए। और ये कितना दिया हुआ है भैया? रूट 3/2 आर, रूट 3/2 आर। इस वाले ट्राइंगल में आप लिखिए साइन थीटा, क्या लिखिए? साइन थीटा इज इक्वल टू आपके लिए हो जाएगा रूट 3 r/2 / r। ओहो, थीटा की वैल्यू यहां से कितना आ रही है? 60 डिग्री आ रही थी, थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 60 डिग्री आ रही है ना भाई साहब। अब आपको चेंज पूछा है, पहले आपका वी नॉट ऐसा था, अब आपका वी नॉट कैसा हो गया है? ऐसा हो गया है, ये है 60 डिग्री, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। वी नॉट सेम है तो ये एंगल भी सेम आने वाला है, अगर इसकी लेंथ वी नॉट है, इसकी लेंथ वी नॉट है, तो इसकी लेंथ भी तो वी नॉट ही आएगी। अरे भैया, इक्वेटर ट्राइंगल बन गया है तो वी नॉट आ गई है चेंज, जो कि है एन वी नॉट के बराबर। तो एन की वैल्यू यहां से क्या आ गया है? 1 आ गया भाई। सब लल्लू सवाल था, कैसे सवाल था? लल्लू सवाल था, आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 पे, सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23।
सवाल नंबर 23। जरा ध्यान से देखिए 23 क्या है। 23 क्वेश्चन नंबर 23। अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड हैविंग चार्ज क्यू रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अच्छा, एक डिस्क है, इस पे क्या है चार्ज आपका कितना है, क्यू है, और रेडियस आर है, यूनिफॉर्म चार्ज। अच्छा, चार्ज क्यू है और रेडियस आपका आर है और ओमेगा से घुमा रहे हैं। अरे हम तो जानते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंट का ये रेशियो क्यू बाई टू एम आने वाला है। आप क्या चाहते हो बताइए, क्या चाहते हो ये आपको चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मैंने कहा ये चाहिए ना, तो आप क्यू डिवाइडेड बाई टू एम इंटू एंगुलर मोमेंटम कर दीजिए, वो आएगा आई ओमेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी आपका एम आर स्क्वायर बाई टू, डिस्क है ये एक्सिस के बाद एम आर स्क्वायर बाई टू आ गया, इंटू आप ओमेगा कर दीजिए, टू ने टू की बत्तियां गुल की, एम ने एम की बत्तियां गुल की, ये आ रहा है ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, और आप क्या बोल, हाँ क्यू भी था ना, हाँ क्यू क्यू कहां से कटा, सॉरी क्यू था ऊपर भाई, क्यू और ये फोर, क्यू और ये फोर, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई फोर आएगा भैया, ये टू नहीं है ना, क्यू है, तो टू इंटू टू फोर हो गया, तो ये कार्यक्रम ये बोल रहा है कि वन बाई एन क्यू ओमेगा आर स्क्वायर, तो भैया सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू यहां से क्या आ रही है आपके लिए, फोर आ रही है, एन को आप फोर फिल कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ जाइए। ये था सवाल नंबर 23, एन की वैल्यू फोर हो गई आपके लिए। आगे बढ़ते हैं 24, लास्ट एंड सेकेंड लास्ट सवाल, सेकेंड लास्ट सवाल 23 के बाद आगे बढ़ते हैं 24 पे, क्या है 24 जरा ध्यान से देखिए। 24, a block of mass and moving with a speed v compress the spring through a distance x before its speed is halved, the spring constant of this is, अच्छा मास m का रफ्तार v से जा रहा था, स्प्रिंग से टकराया और क्या हुआ है, स्प्रिंग को आधा कंप्रेस कर दिया है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कितना कंप्रेस किया ये आपसे पूछा है, हमने कहा x कंपेयर कर दिया, स्पीड इसकी v बाई टू हो गई। अच्छा, तो जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई है यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी बाई टू का स्क्वायर इतनी कम हुई है, दैट इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, हाफ के एक्स स्क्वायर है ना। अच्छा बहुत बढ़िया, द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मतलब आपको के पूछा गया है, तो यहां से अगर आप ध्यान से देख लीजिए ये आपका वी स्क्वायर और ये वी स्क्वायर बटा फोर आ रहा है, तो थ्री एम वी स्क्वायर बटा फोर डिवाइडेड बाई के कर दीजिए, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा है ना, सॉरी के निकालना है, तो आप एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए तो ये आपका के आ जाएगा, यहां से कंपेयर करना है ना इसको, इसको कंपेयर करना है। अच्छा, तो ये दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिक्स एम वी स्क्वायर अपॉन एट एक्स स्क्वायर आ रहा है, कंपेयर कर लीजिए, एन एक्स स्क्वायर बोला है तो एन की वैल्यू एट आ गई भाई साहब, क्या आ गई आपके लिए, एन की वैल्यू एट आ गई। ये था सवाल नंबर आपके लिए था 24। आइए बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल सवाल, लास्ट एंड फाइनल सवाल, सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25, देखिए क्या है सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25, ए फोर्स एफ इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द लोअर ब्लॉक एज शोन इन द फिगर, वर्क डन बाय द लोअर ब्लॉक ऑन द अपर ब्लॉक फॉर ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6 मीटर ऑफ द अपर ब्लॉक विद द रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखते हैं भैया कैसा फोटो है, फोटो ऐसा है, यहां पे कौन है 2 kg, इसके ऊपर कौन है 1 kg। अच्छा बहुत बढ़िया, और यहां का म्यू कितना है, 0.21। फोर्स कितना लग रहा है, मैंने कहा एफ लग रहा है, और एफ की वैल्यू कितनी है 0.5 न्यूटन है, और ये क्या है भाई साहब, ये है आपका स्मूथ का। अच्छा पहले हमें ये नहीं पता कि दोनों साथ साथ में चल रहे हैं कि दोनों अलग अलग चल रहे हैं, तो हमने क्या मान लिया दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी, एक कॉमन एक्सेलरेशन होगी, यहां पे फ्रिक्शन है नहीं, यहां फ्रिक्शन की अगर पता करें तो आपके लिए फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू आने वाली यानी लिमिटेशन 0.1 × 10 यानी कि 1 न्यूटन आ रही है। दोनों साथ साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन जो आने वाली है वो है 0.5 / 3 kg यानी कि 1/2 × 1/6 m/s² और ऊपर वाले को खतरा हो सकता है क्योंकि ऊपर वाले को फ्रिक्शन ही चला रहा है, तो ऊपर वाले की मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकती है 1/1 क्योंकि 1 मैक्सिमम फोर्स लग सकता है, तो एक्सेलरेशन मैक्स कौन सी वाली 1 kg की आपकी 1 आ रही है, लेकिन 1.6 तो कम है,
1.6 उससे कम है, 1.6 के लिए तो आपको फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, F is equal to 1 into 1 by 6, यानी कि 1 by 6 न्यूटन की जरूरत पड़ेगी, जो कि लिमिटिंग वाले 1 से कम है, जो कि 1 यहां पे 1 न्यूटन से कम है। इसका मतलब क्या है कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं और ऊपर वाले ब्लॉक को स्टैटिक फ्रिक्शन चला रहा है और उसकी वैल्यू 1 नहीं है, जितनी जरूरत है उतनी, कितनी जरूरत है 1/6 न्यूटन की। तो यही बोला गया है कि इस वाले 1/6 न्यूटन फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया है। द वर्क डन बाय द लोअर ब्लॉक ऑन द अपर ब्लॉक, यानी कि फ्रिक्शन फॉर ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6 मीटर ऑफ द अपर ब्लॉक है, तो अपर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट यहां पे हुआ है 6 मीटर। कितने मीटर हुआ है? 6 मीटर है, तो वर्क डन आपका हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये वैल्यू आपका 1 जूल आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको शायद इंटीजर में यही 1 फिल करना था। और इसके साथ ही ये जो 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन जो है आपका ERT 02 का वो खत्म होता है। पेपर की डिफिकल्टी नहीं थी, डिफिकल्ट नहीं था भाई साहब, मतलब जो है एवरेज या एवरेज से नीचे कैटेगरी का बोल सकते हैं। आप इन 20 आपने अगर दोनों चैप्टर, दो ही चैप्टर थे, दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ा होता तो आप अराउंड ऑफ 25 में से 25 सवाल सॉल्व कर सकते थे बिल्कुल बड़ी आसानी से, 20 प्लस तो आपके बड़ी आसानी से सवाल सॉल्व हो जाते अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक उसमें नहीं की होगी। बाकी आप देखिएगा कि कहीं कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक आपने की है तो एक बार जाके उस कॉन्सेप्ट पे दोबारा काम कीजिए, ताकि भविष्य में यानी फ्यूचर में ऐसी कोई गलती आपसे नहीं हो। अगला वाला टेस्ट जो रहेगा इसी वाले सिलेबस का, जेईई एडवांस और जेईई मेन दोनों का रहेगा, तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें आप बहुत ही अच्छा करें। बाकी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, मोटिवेटेड रहिएगा। अपन चलते हैं भाई साहब, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय।